रहे हैं वन बी आर हैदर टीवी। उम्मीद है किसान भाइयों आप सब खैर खैरियत से होंगे। किसान भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गंदम के खेत काफ़ी हद तक तैयार हो चुके हैं। अब जो अगेती गंदम है वो गोब की हालत में है और जो पछेती है वो चंद दिनों बाद गोब की हालत में आ जाएगी। किसान भाइयों गोब की हालत वैसे तो इस हालत को तौलीदी हालत कहा जाता है जिसमें सिट्टा बनना शुरू हो जाता है। किसान भाइयों गुज़स्ता चंद सालों से पिछले कुछ सालों के अगर हम रिकॉर्ड उठाएं तो इसमें हमारी गंदम पर गोब की हालत में चंद एक बीमारियों ने अटैक किया है। उस हमले में हमारी पैदावार 10 से 15 मन तक कम हो चुकी है। हमारे किसान भाई इतने डरे हुए हैं कि अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया कि थोड़ी सी गंदम पिलाहट का शिकार हुई तो परेशान होकर उन्होंने स्प्रे करना भी शुरू कर दिए। आज मैं उसी बीमारी के बारे में और गंदम की जो ज़ाहरी हालत चल रही है उसके बारे में वीडियो में आप किसान भाइयों से मालूमात शेयर करने वाला हूं। इससे पहले कि मैं वो मालूमात आप दोस्तों से शेयर करूं, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, मेरी ज़िंदगी में एक न्यू राह निकलती है कि मैं आपके लिए वो चीज़ें करूं जो आप खुद राय में मुझे बताते हैं। वो तजर्बात, वो चीज़ें, वो सिखा कर और सीख कर मुझे भी फ़ायदा होता है और आपको भी। किसान भाइयों मैं अपने टॉपिक को समेटता हूं और फिर वही गंदम की तरफ आता हूं। तो इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो मैंने एक गंदम का तना निकाल कर इसमें सिट्टे को दिखाया है। ये पहला है, इसमें सिट्टा नज़र आ रहा है, ये दूसरा। तो किसान भाइयों इस वक्त जो गंदम का पौधा है वो फैसला कर रहा होता है कि उसने सिट्टे की लंबाई कितनी करनी है और इसमें गुड़ियों की तादाद कितनी है। ये मूछों वाली गुड़ियां आप देख रहे हैं, इसमें इसने गुड़ियों की तादाद कितनी बनानी है और सिट्टे का लंबाई और साइज कितना होना है। तो किसान भाइयों सिट्टे का साइज और लंबाई, जैसा कि आप जानते हैं कि गंदम के पत्तों की वजह से पूरी होती है, क्योंकि गंदम के पत्ते जितने अच्छे होंगे उतना आपका सिट्टा बेहतरीन बनेगा, उसकी भराई अच्छी होगी। तो इस वक्त गंदम को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो पोटाश की होती है, जो हमारे किसान भाई बिजाई के टाइम भी इस्तेमाल करते हैं। अगर बिजाई के टाइम ना इस्तेमाल कर पाएँ तो तीसरे पानी पे फ्लड करवाते हैं, अगर उसमें भी इस्तेमाल ना करवाएं तो अब गोब की हालत में स्प्रे भी हो जाता है। किसान भाइयों मैं कुंगी के टॉपिक की तरफ आऊँगा। कुंगी पिछले चंद सालों से 10 से 15 मन का नुकसान कर रही है और कम से कम अगर तखमीना लगाया जाए तो इसका नुकसान है 3-4 मन तो पक्का आ जाता है। इसके निशानियां मैं आपको बताता चलूं, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके। तो इससे पत्ते पीले हो जाते हैं, ये वाज़ेह तौर आप देख सकते हैं, इन पे जंग लग जाता है, आपके कपड़े बिल्कुल पीले हो जाएंगे अगर आप गंदम के खेत में चलेंगे तो। अच्छा, इसकी खास निशानी, बाज खेत में पत्ते सब्ज होते हैं, इन पे आप गौर करें तो धब्बे बने हुए हैं, गोल गोल सपाट है। ये सपाट बेसिकली आप सूरज की तरफ करेंगे तो इनमें जर्दी नुमा महलूल बनता जाएगा, वो मादा जो पत्ते को ऐसा ऐसा बिल्कुल खत्म कर देगा, इसमें सब्ज मादा बिल्कुल खत्म हो जाता है, पत्तों की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो जाती है कि वो दाने की भराई कराएं। किसान भाइयों मैं एक चीज और आपको बताता चलूं,
कि गंदम का पौधा, ये जो आप देख रहे हैं इसका जो टॉप वाला पत्ता होता है, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो ये जो टॉप वाला पत्ता है ना, दरमियान वाला, ये एक सिट्टे की भराई कम से कम 70% करता है। मतलब कि अगर चार हिस्से हमने सिट्टी के पूरे करने हैं तो इनमें से एक हिस्सा जो है बाकी तीन पत्ते पूरे करते हैं, और तीन हिस्से जो है ये टॉप वाला पत्ता पूरे करता है। अगर हम इस बीमारी का मुवाजना करें तो ये बीमारी सिर्फ इस टॉप वाले पत्ते पे ज़्यादा हमला करती है। अगर ये पत्ता, जिस तरह ये पत्ता आप देख सकते हैं कि पिचका हुआ है, ये बाज़ औक़ात बुरान की भी कमी हो सकती है, इसमें बुरान की कमी नज़र आ रही है। ये बुरान भी एक अंसर है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है फसल के लिए, ये पैदावारी सलाहियत को बढ़ाता है। अच्छा, तो मैं वापस आऊँगा कि ये जो पत्ता है ना, ये 70% भराई करता है आपके सिट्टे की। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताता चलूं, अगर आपके खेत में अभी तक कुंगी नहीं आई, आपने नहीं देखी, तो मेरा मशवरा यही है कि अब जब आपकी फसल गोब की हालत में आ चुकी है, बगैर कुछ फैसला किए, बगैर फसल को चेक किए, पत्ते पीले हो रहे हैं नहीं हो रहे, आप इस चक्कर में पड़े ही नहीं, आप कुंगी का स्प्रे लेके आएँ और स्प्रे करवाएं। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि कुंगी के स्प्रे का खर्च आता है 650 रुपये। हमारे पास तहफ़ की एक दवाई है सन ग्रो की, जिसका नाम है मस्ट। मस्ट का मतलब है ज़रूरी। किसान भाइयों, जितना हम खर्चा कर लेते हैं उसकी मकदार इससे बहुत ही कम बनती है। ये एक पैक 200 मिली लीटर का होता है और इसकी प्राइस है 650 रुपया। अगर गंदम की प्राइस की बात की जाए तो गंदम इस वक्त 1800 से 2000 रुपये मन चल रही है, ये तीसरा हिस्सा भी नहीं बन रही। तो किसान भाइयों, जिस तरह हमने DAP खाद खर्च की, यूरिया लगाया, इसका ठेका भरा, अगर जाती है तो फिर भी अखराजात किए, पानी लगाया, इतनी मेहनतें की, सर्दियों में हमने खाद डाली, बहुत सारे काम किए, और अब आकर हमारी फसल पर ये अटैक आता है और हम 600 रुपये की वजह से इसको कवर नहीं कर पाते, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। तो मेरा मशवरा यही है कि आप 600 रुपये का खर्च करें और वो स्प्रे करवाएं, कि बजाय वो बीमारी आए उससे पहले ही आप स्प्रे करवा दें, ताकि आपकी फसल आने वाले वक्त में खूबसूरत नज़र आए और पैदावार ज़रा भी कम ना हो। अगर आप थोड़ा सा भी मुवाजना लाएं तो 6-7 हज़ार का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है, लोगों की 10 से 15 मन भी कम पैदावार आई है। तो मेरे किसान भाइयों, आखिर में मेरी फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, मेरी वीडियो आप तक पहुँचती हैं तो आप सब्सक्राइब ना करें, अनसब हो जाते हैं, मेरी वीडियो फिर आप तक नहीं पहुँच पाती। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक कमेंट भी किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, मैं आपके लिए इसी तरह के और नए नए मौजूदात पर वीडियो बनाता रहूं, ताकि आपको भी इस बारे में आगाही होती रहे। वस्सलाम, आपका दोस्त अबरार हैदर, अल्लाह हाफिज़।